जिला कबड्डी के तरफ से खेल चुके हमारे कचरा उर्मी जी, हम सभी के बीच पूर्ण रूप से मनोरंजन राय ने अपने कमेटी के मार्फत से उन्हें स्वागत करा। और इस तरह से रेडर रेड करते हुए अपने टीम के लिए क्या पॉइंट लेने में कामयाब हासिल कर सकता है, वही पे देखा जाए तो क्या क्या पोजीशन किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सेफ रेट देखा जाए तो सेफ रेट करके अपने प्रचेरी में अपने कोर्ट में वापस और फिर से वहां पे 103 नंबर फैस के खिलाड़ी जेल करते हुए अपने टीम के लिए देखते क्या योगदान कर पाते हैं। और रेट करते हुए काफी अच्छे रेट करते हैं और इस तरह से सुरक्षित अपने कोर्ट में वापस। अभी दोनों ही टीम के खाता नहीं खुला हुआ है, 0-0 बोर्ड से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कैच नहीं कर सके और पॉइंट लेने में कामयाबी हासिल किया वहां पे, और इस तरह से खाता खुला सीआरई का 2.20। और इस तरह से 10 नंबर के खिलाड़ी काफी लंबे पद के खिलाड़ी है, अच्छा रेट का प्रदर्शन किया वही पे चतुराई भरी रे। और इस तरह से इनका भी खाता खुल गया और 2 पॉइंट इनका भी आया। और वही पे देखा जाए तो क्या सब कर लिया गया, फिर 1 पॉइंट रूपंदे राइडर्स को 3-2 तीन और दो चल रहा है, काफी कॉम्पिटिशन का मैच चल रहा है यहाँ पे। अरे अपने दूसरे खेल लिया चार सुबह गिर जाने का, और चार लोग हैं और इधर रेड करते हुए और सुरक्षित अपने कोर्ट में पहुंचे। फिर से चले सियारी के खिलाड़ी 1 नंबर के और रेड कर रहे हैं, देखते हैं क्या अपने टीम को फिर से खड़ा कर देते हैं। वहां पे क्या संचार क्या किया गया वहां पे, वाह क्या लज्जाबाद प्रदर्शन किया है यहाँ पे रूपंदे नाइट्स वाले, वाह। और फिर से रेड अप रेड करते हुए अपने टीम के लिए सिर्फ 3 लोग हैं कोर्ट में सियारी के, और वहां पे सेफ रेड करते हुए और रिक्स ले लिए फिर सियारी का 8 नंबर बैच के खिलाड़ी रेड करने के लिए और रेड करते हुए देखते हैं कि आपने टीम को फिर खड़ा कर सकते हैं। सातों के सातों खिलाड़ियों को सही का ले लिए, गिरा लिए एक पॉइंट और ले लिया एक खिलाड़ी खड़ा। टू नाइन रोशन केवट भाई, मेरा आवाज सुन रहे हो क्या? मैंने मेरा यहाँ संपर्क करना अनुरोध कर दो रोशन केवट। और इस तरह से रूपंदेही के खिलाड़ी रेड करते हुए और ललचा रहा है कि मुझे क्या कीजिए, और देखते हैं क्या रेड करके पॉइंट ले जा पाता है। आज देखने वाली बात नहीं है, वाह क्या लाजवाब है, चार खिलाड़ियों के बीच में क्या किया गया, वाह अच्छा किया सियारी के द्वारा। और इस तरह से सियारी खिलाड़ी रेड करते हुए रूपंदे 11 नंबर खिलाड़ी और रेड करते हुए और फिर से रूपंदे नाइट ड्राइव के खिलाड़ी कैसे 3 नंबर भैंस के खिलाड़ी काफी चतुर है, अच्छा प्रदर्शन का अच्छा रेट कर रहे हैं। और इस तरह से फिर सियारी के रेडर बेस्ट नंबर 3 के खिलाड़ी अच्छा क्या किया गया वहां पे देखा जाए, वाह क्या कर दिया गया, बहुत अच्छा क्या किया वहां पे। और इस तरह से फिर से 10 नंबर खिलाड़ी रेड करते हुए अपने टीम के लिए, और वहीं पे देखा जाए तो
মানে আউ কিছু হই যায় না মানে হই লাগিছে চার পাঁচ টাই স্কোর চল রহা হ্যায় কাফি কম্পিটিশন কা গিয়া চল রহা হ্যায় আর সিআরি কা এক পয়েন্ট আর উনকে খাতে মে দো টাই আর টু আউট আই আয়া হ্যায় করো ইয়া মরো কা স্থিতি আর দবা দিয়া ওই পে ওয়াহ লাজবাব কিয়া দিয়া হ্যায় एक पॉइंट और सियारी के खाते में बढ़ता हुआ पॉइंट छह और पांच का आंकड़ा चल रहा है कंपटीशन का ही मैच है दोनों ही टीमें को देखा जाए तो आमने सामने दोनों ही टीम के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं इस कोर्ट में गैडावा नवतालिका का ये मैच है और इस तरह से एवजे कल का खिलाड़ी रेड करते हुए और वहां पे उसको कैच नहीं कर पाए एक जली दू जली माई काम पे और एक पॉइंट रेड को मिला और इस तरह से सियारी के खिलाड़ी नौ नंबर भेज के खिलाड़ी रेड करते हुए और वहां पे उसको बहुत अच्छा कैच किया वाह क्या क्या किया है क्या सीखे तो इनसे सीखे अब इस तरह से फिर रूपा देवी नाइट ट्राइस के खिलाड़ी काफी चतुर है रेडर लेकिन सियारी भी कम नहीं है बॉडी बॉल का टच करके देखो और इस तरह से देख रेख करते हुए अपने पवेलियन में वापस रूपंदेही नाइट ट्राइस के खिलाड़ी या उन्होंने से देखा जाए तो सियारी के 11 नंबर फेस के खिलाड़ी ग्रेट करते हुए चेक कर अपने चीज के लिए क्या कुछ करते हैं और करके दिखा दिए वो केला द पावरेट का प्रदर्शन किया है वाह और दो लोग के लिए ही दिया यहाँ पे और दो पॉइंट अपने खाता में सियारी जोड़ लिया है दोस्तों के अलावा भी सब खुला कबड्डी प्रतियोगिता मेरा गोपाल का को आयोजन मेरा कबड्डी संघ को आयोजन संचालन भई गई होगा जिसमें आज दूसरों टीम को तीसरों टीम संचालन भई गई तो सर रूपन देवी लीडर वैसे इस समय माई युवा क्लब सीआरई भी ये तीसरों खेल संचालन भई गई तो सर इस पति को हम दूसरों टीम को चौथों के परासी वर्सेस न्यू होराइजन बीच संचालन होने भय तो दुई के टीम का खिलाड़ी साथी छिटो भन्दा छिटो नामावली उपलब्ध गराइकन सँगसँगै कम तयारी अवस्थामा बसिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु परासी भर्सेस न्यू होराइजन यसपछिको हाम्रो तुरन्तै म्याच परासी भर्सेस न्यू होराइजन बीच सञ्चालन भएकोले दुईकै टिमका खेलाडी साथीहरूलाई कप्तान साथीलाई नामावली सहित उपस्थित भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु समयको एकदमै अभावको कारणले हामी म्याच ढिला नगरीकन तुरन्तै खेलाउन पर्ने भएकोले तुरुन्तै तपाईँहरूले हामी यहाँ नाम बोलाउनु बित्तिकै यहाँ कोर्टमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु परासी भर्सेस न्यू होराइजन और इस तरह से सियारी का टोटल स्कोर बढ़ता हुआ नौ और वहीं पे देखा जाए रूपा देवी नाइट ट्राइस का सात को अंक का लीड वहां पे सियारी ने दे दिया है और फिर सियारी के एक खिलाड़ी रेड करते हुए 11 नंबर बैच के देखा जाए तो रूपा देवी के तीन ही खिलाड़ी अपने कोर्ट में स्थित है जैसे कि आप टीम को खड़ा कर सकते हैं और इस तरह से फिर सियारी के खाते में एक पॉइंट इजाफा हुआ और 10 और 7 का आंकड़ा चल रहा है और वहाँ पे टाइम का डिसीजन आना बाकी है इसीलिए हम भी और फिर सियारी के खाते में एक पॉइंट अतिथिको आगमन भएको छ म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि मेरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर छका वडा अध्यक्ष राजकुमार लोकदुलाई अतिथिको रूपमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अतिथिको आसन ग्रहणको क्रम जारी रहने जानकारी गराउन चाहन्छु र कुन सेवा साथीहरूलाई हाम्रो खेलाडी साथीहरूलाई सिधैभन्दा सिधो पानी उपलब्ध गराइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो कुन सेवा साथी र विवेक भाइ मेरो आवाज सुनिरहेको छ भने छिटोभन्दा छिटो मलाई ल्याएर सम्पर्क गर्नुहोला हेलो नेपालका पत्रकारज्यूलाई म यहाँ मञ्चमा उपस्थित भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु
हेलो नेपाल का पत्रकार जी कृपया मंच में आएर संपर्क करने वाला और 16 ओवर 8 का आंकड़ा यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। काफी दिलचस्प बात दिखाई दे रहा है। शुरू में तो ऐसा लग रहा था एकदम कंपटीशन का मैच चल रहा है, 1 ओवर 2, 2 ओवर 3, 8 ओवर 7, 9 ओवर 10, 11 12 8 ओवर 16। अब देखते हैं इस पारी में कि कौन क्या कर सकता है, इसमें कौन आगे निकलता है, कौन कितना धैर्य, कौन कितना अनुशासन से डिसिप्लिन से गेम खेलता है, कौन अपने टीम को निकालता है, देखने वाली बात होगी। 8 ओवर 16 का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। 103 नंबर खिलाड़ी को क्या दूसरा लिया गया खुला कबड्डी प्रतियोगिता को आज आदमी दोस्तों जिनमें प्रवेश गरी को कम रखना तीसरो मैच संचालन भैर को सर बंदेही रेडर्स वर्षे समय में ही वहाँ का सियारी बीच हम खेल संचालन भैर को सर दोस्तों गैनावा दस कप खुला कबड्डी प्रतियोगिता जो गैनावा गाँव पालिका को आयोजना में प्रत्येक वर्ष संचालन होने गद र आगामी दिन में संचालन होने तभी जानकारी कराने चाहूँ। हम गैनावा गाउँपालिका को अध्यक्षज्यूले यो खेललाई अगाडि बढाउनको लागि प्रत्येक वर्ष हाम्रो यो खेलाडी गैनावाका खेलाडीहरूलाई उहाँहरूको खेलाडीको मनोबल बढाउनको लागि प्रत्येक वर्ष यो हाम्रो अध्यक्ष कप सञ्चालन भइरहेको छ। तपाईँ पोहोर साल पनि हामीले यही ग्राउन्डमा यही ठाउँमा डेमा हाम्रो यो खेल सञ्चालन भएको थियो र यसपालि पनि भइरहेको छ, आगामी दिनहरूमा पनि हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्न चाहन्छौँ। दोस्रो गैनावा दशको खुल्ला कबड्डी प्रतियोगिताको दोस्रो दिनको तेस्रो खेल सञ्चालन भइरहेको छ। यसपछिको हाम्रो लगत्तै चौथो खेल परासी सञ्चालन हुने जानकारी गराउँदै दुई दिनका खेलाडी साथीहरूलाई कम तयार अवस्थामा बसिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समयको एकदमै अभावको कारणले हामीले खेल तुरन्त सञ्चालन गर्न सकिरहेको छ, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र मौसमले पनि निकै साथ दिइरहेको छ। त्यस कारणले हाम्रो भोलि हाम्रो फाइनल र सेमी फाइनल खेल मात्रै बाँकी राख्ने गरी हामीले टाइसिट निकालेको थियौँ र त्यो टाइसिट अनुसारले हामीले गेम खेलाइरहेको छौँ। तपाईँ सम्पूर्णलाई जानकारी भएकै कुरा हो। त्यस कारणले समयलाई मध्यनजर गरेर बोलाउने बित्तिकै तुरन्तै आफ्नो टिम लिएर कोर्टभित्र उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछौँ। दोस्रो गैरावाद खुल्ला कबड्डी प्रतियोगितामा हाम्रो अतिथि महानुभावहरूको आगमन जारी नै छ र अतिथि महानुभावले यो खेलको प्रत्यक्ष रूप अवलोकन गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो खेलाडी साथीहरू को कसले कुन तरिकाबाट खेलिरहेको छ, कसको कमी कमजोरीहरू हाम्रो अतिथिजीहरूले मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ र अन्तिममा हाम्रो बेस्ट रेडर र बेस्ट डिफेन्डरलाई हाम्रो पुरस्कारको व्यवस्था पनि रहेको छ। त्यस कारणले खेलाडी साथीहरूलाई आफ्नो 100% खेल प्रदर्शन गर्न अनुरोध गर्दै आफ्नो खेल एउटा अनुशासित भएर एउटा खेलाडीमा हुनपर्ने जुन गुण हुन्छ त्यो गुण बोकेर यो ग्राउन्डमा खेल खेल्नको लागि अनुरोध गर्छु। दोस्रो दिनको तेस्रो खेल सञ्चालन भइरहेको छ। यसपछिको हाम्रो लगत्तै परासी भर्सेस न्यू होराइजन बिच खेल सञ्चालन हुने जानकारी गराउँदै दुईटै टिमका खेलाडी साथीहरूलाई कम तयार अवस्थामा बसिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, हाम्रो गैनावा गाउँपालिकाबाट अन्डर 18 हाम्रो नेसनल खेलेका हाम्रो भाइहरूले यो खेल सञ्चालन गरिरहेको छ। दोस्रो तेस्रो तिन पटकसम्म नेसनल खेलाडी हाम्रो भाइ जितेश यादव लगायत हाम्रो रामजी विश्वकर्मा भाइले यो खेलमा रिसेन्ट पनि भूमिका निर्वाह गरिराखिरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो स्कोरमा हाम्रो तुलसी यादवजी, कृष्ण मोहन चहान, दिलीप धन्यज्यू, बुद्धिराम धवल, जितेन्द्र सिंहज्यूको उपस्थितिमा हाम्रो यो खेल सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पूर्णको साथ र सहयोग एकदमै छ र हाम्रो दर्शक महानुभावलाई हामीले बनाएको लाइनभन्दा खेलाडीहरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरी
पछाड़ी बच्चे को अनुरोध करते हम खिलाड़ी चोट पटक लगे हम भिजन सर्विसी ने हम खिलाड़ी प्रमुख उपचार को व्यवस्था मिला म धन्यवाद दिन चाहूँ हम भिजन सर्विसी का प्रोपराइटर शैलेन्द्र कुमार पासीजी तेरी हमें ये खेल भैई इसलिए तब लाइव देखना चाहूँ हम हेलो नेपाल मीडिया में तब सर्च कर यह खेल लाइव रूप में हेन सकूँ इसी हम जनता टेन्ट लाइट एंड साउंड सीस्टम धन्यवाद दिन चाहूँ हम खेल रात्रि में हम कभी संचालन करने हमें अप्ठारो मान रखे तर हम जनता टेन्ट लाइट एंड साउंड सीस्टम को प्रोप्राइटरजी ने हम संचालन करना सकता भर हम विश्वास दिखे ये खेल हमें पहले पटक ये हम एरिया में चाहे पहले पटक होगा हमें नाइट खेल संचालन कर इसमें तब सब को साथ र सहयोग आगामी दिन में हम संचालन करने नहीं साथ र सहयोग इसी रहने भाई विश्वास इस पच्चीस को हम दोसों दिन को ये तेसरो खेल संचालन भैई है इस पच्चीस को हम लगत चौथों खेल परासी भर्सेस पूरा परासी भर्सेस न्यू होराइजन गेम होने भाई दुईटे टीम का खिलाड़ी साथी कम तैयारी अवस्था में बची दिन का हार्दिक अनुरोध करदु गैनावा गाउँपालिका को आयोजना में गैनावा कबड्डी संघ को आयोजना में संचालन भैर दोसों गैनावा जिस खुला कबड्डी प्रतियोगिता को आनंद लिखो तर हमें बनाया लाइन भन्दा पछाड़ी बसर खिलाड़ी डिस्टर्ब न होने गरी खिलाड़ी बाधा न होने गरी तपाईहरु बसर आनंद लिखो आपको टीम होल्डिंग करना कोई भी बाधा पुर्वने छेन इस कारण तब अनुरोध करें हमें बनाया लाइन भन्दा पछाड़ी बस अनुरोध करना चाहूँ इस पच्चीस को हम चौथों खेल परासी भर्सेस न्यू होराइजन दुईटे टीम का खिलाड़ी साथी रेडी अवस्था में बस्ने का हार्दिक अनुरोध कर समय चार मिनट बाकी रूपंदेही रेडर्स भर्सेस समय में युवा तरफ तैयारी भी खेल संचालन भैर जिसमें चार मिनट खेल बाकी इस पच्चीस को हम तुरंत इस पच्चीस को हम मैच परासी भर्सेस न्यू होराइजन बीच संचालन होने जानकारी कराते दुई खेल का खिलाड़ी साथी चमकाएर सभापति दिन हार्दिक अनुरोध करते मैं पटक पटक नाम बोला कारण हम समय को एकदम अभाव है इसके लिए हम क्षमा प्राप्ति इसलिए मध्यनजर कर हम बोलाने बितिक तुरंत आपको टीम लोर्ट में उपस्थित होगा हम अनुरोध करना चाहते और इस तरह से देखा जाए तो मैच एक तरफा दिखाई दे रहा है और इस तरह से तैयारी के रेडर हेल्प करते हुए रुपंदेही नाइट राइड्स के लिए देखते हैं कि आप अपनी टीम को बचा पाते हैं कि नहीं। दो मिनट दोसों गैनावाद खुला कबड्डी प्रतियोगिता को दोसों दिन को तेसरो खेल संचालन भैर रूपंदेही रेडर्स भर्सेस समय में युवा तरफ तैयारी बीच खेल संचालन भैर समय अवशेष दुई मिनट बाकी इस पच्चीस को तुरंत हम होने मैच परासी भर्सेस न्यू होराइजन बीच होने तरह जानकारी कराते दुईटे टीम का खिलाड़ी साथी एकदम तैयार अवस्था में बस दिन का हार्दिक अनुरोध करते हैं हम रेफ्रीजी को निर्णय नहीं अंतिम निर्णय होने वहाँसंग अनुभव को कमी छेन हम दो तीन तीन पटक नेशनल अंडर 18 पटक नेशनल प्लेयर हो
म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। दोस्रो गणावादसित खुल्ला कबड्डी प्रतियोगिताको आज दोस्रो दिनको तेस्रो खेल अन्तिम अन्तिम चरणमा आइसकेको छ र चौथो खेल परासी भर्सेस न्यू होराइजन्स सञ्चालन हुनुभएकोले दुईटै टिमका खेलाडी साथीहरूलाई कम तयार अवस्थामा बसिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। समयको एकदमै अभावको कारणले मैले पटक पटक यो बोल्नुको कारण पनि हाम्रो समयको एकदमै अभाव छ, त्यस कारणले हाम्रो यो अनुरोधलाई स्वीकारेर छिटोभन्दा छिटो कोर्टमा उपस्थित भइदिनु होला। हामीले नाम बोलाउने बित्तिकै कोर्टमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। गैनावा गाउँपालिकाको आयोजनामा गैनावा कबड्डी सङ्घको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको दोस्रो गैनावा जस्तो खुल्ला कबड्डी प्रतियोगिताको तेस्रो खेल सञ्चालन भइरहेको छ र दर्शक महानुभावहरूको एकदमै खासा खास हाम्रो दर्शक महानुभावहरू भरिदिनु भएको छ। आफ्नो व्यस्त समयलाई थाती राखेर यो कार्यक्रमको अवलोकन गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो अतिथि महानुभावहरूले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यो हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर हाम्रो यो खेलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरिराख्नु भएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यही खेलाडीहरू भोलिका भविष्यका कार्यधार हुन् र यही खेलाडीहरूको मनोबल बढाउने जुन हाम्रो गैँडाहा गाउँपालिकाले प्रयास गरेको छ त्यो प्रयासलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यो कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने जानकारी गराउँदै यसपछिको हाम्रो परासी भर्सेस न्यू होराइजन बिच तुरन्तै खेल सञ्चालन भएकोले दुईटै दिनका खेलाडी साथीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कोर्टमा उपस्थित भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पनि साथ दिएको छ, त्यस कारणले हाम्रो खेलाडी साथीहरूलाई नाम बोलाउने बित्तिकै तुरन्तै कोर्टमा उपस्थित भइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।